Hello everyone, what's up? My name is Adro Flo and welcome to my channel. So guys, finally, वो दिन आ चुका है. थोड़ा सा लेट हो गया था. Oh my God, हमारे अरिजीत सिंह. So guys, थोड़ा सा ना एक दिन का डिले हो गया. हम लोग कल ही निकलने वाले थे, मतलब आज सुबह निकलने वाले थे. आज सुबह निकल रहे थे, but एक दिन डिले हो गया. हम लोग अभी कल सुबह निकल रहे, तो अभी बज रहे हैं कुछ रात के, फोन का है. तो अभी बज रहे हैं कुछ 11:15 और हम लोग की सुबह 9:30 की फ्लाइट है और हम जा रहे हैं. बट अच्छा है, पता है, एक दिन लेट हुआ. हाँ, थोड़ा टाइम मिल गया. हम लोग को टाइम मिला, पैकिंग किया, सुकून से जाएंगे अभी. सुकून से जाएंगे और एकदम आराम से पैकिंग सब हो गई मेरी, तो इसकी भी ऑलमोस्ट हो गई है. वो अभी बैठा है विशाल. ए विशाल, इधर आ जल्दी. केटली वाला लाख से चल ठीक है. हमारा स्टोर रूम दिखाते हैं. चलो आज आपको मैं स्टोर रूम दिखाएंगे. स्टोर रूम दिखाते हैं, हमारा क्या हाल है हमारे स्टोर रूम का. सो गाइस, ये है हमारा स्टोर रूम. देख रहे हो, बस कचरा देख रहे हो. ये बिस्तर भी कचरा है, एकदम सो सकता है यहाँ पे. हाँ, सब बीच में कूद जाने का. ये भी एक कचरा है हमारा. तो ये हमारा स्टोर रूम है, जिसके प्लान्स कुछ और थे बट वो कुछ और गया है. तो हम जा रहे हैं हमारी फेवरेट प्लेस पे, मनाली. मनाली फाड़ लगा देंगे मनाली की. हम जा रहे हैं मनाली. सो गाइस, अभी मेरी थोड़ी सी पैकिंग बाकी है, तो मैं अभी फट से वो कर लेता हूँ. और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बैगेज थोड़ा एक्सेस हो गया है वेट, तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें से निकाल लेता हूँ और जो चीज़ लेके जाना है वही रखता हूँ. तो अभी थोड़ी बहुत ऐसी छोटी मोटी पैकिंग बाकी, मैं अभी फट से वो करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको. क्या सीन है, क्या नहीं है, बताते हैं. एक्साइटेड तो बहुत हूँ. अरे मनाली जा रहे भाई, कब से मनाली मनाली. कश्मीर में भी जाके मैं बोलता था मनाली मनाली. हाँ, लोग बोलते थे ना मनाली वाइब्स. देखो आज हर रूम में जाके मनाली वाइब्स. कश्मीर पहुँच के भी हम मनाली आ चुके हैं. या सो फाइनली हम मनाली जा रहे हैं. कितना हुआ भाई? मतलब मन ही नहीं करता है. ऐसा लगता है कि ना पैकिंग के लिए ना किसी बंदे को रख लो, सब मन करता है. कहीं भी जाने से पहले उसका काम ये रहेगा कि मेरा बैग पैक करे. अच्छा, हाँ, कुछ लेने बोला ना, वो ग्रे वाली पैंट. और हाँ, बाय द वे गाइस, मैं ये भी मेरे साथ में लेके चल रहा हूँ. दिस इज़ अश्वा काम बाय प्लिक्स लाइफ. आपको तो पता ही होगा गाइस कि हमारी लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल रहती है. मैं सिर्फ क्रिएटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स और जो काम पे जाते हैं हर किसी की बात कर रहा हूँ. वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता है, स्टडी रिलेटेड होता है, बहुत सारे स्ट्रेस रहते हैं हमारी लाइफ में. और स्ट्रेस लीड करता है एंग्जाइटी की तरफ, और हमारी बॉडी में जो कॉर्टिसोल लेवल्स रहते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. सो फॉर बेटर स्लीप, काम माइंड एंड बेटर सेक्सुअल ड्राइव, दिस इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन. प्लिक्स लाइफ का अश्वगंधा विद KSM-66 अश्वगंधा, ये दुनिया का पहला अश्वगंधा in effervescent form. It is a unique product with several clinically proven benefits. KSM-66 अश्वगंधा हमारी बॉडी का कोर्टिसोल लेवल रिड्यूस करता है. कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो हमारी बॉडी में रहते हैं, जिसकी वजह से अननेसेसरी स्ट्रेस और बहुत सारी एंग्जाइटी हमारी बॉडी में आ जाती है. और ये बॉडी में से जो स्ट्रेस लेवल रहते हैं उसे रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है. आपको रिलैक्स और काम कर देता है. इट ऑल्सो इम्प्रूव योर मूड एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप. इट हैज बीन इवेल्यूएटेड इन 22 गोल्ड स्टैंडर्ड ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स. हेल्प विद सेक्सुअल फंक्शन, स्ट्रेस रिलीफ एंड रिलैक्सेशन. इसके अंदर ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन D3 है, जो हमारे ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करने में हेल्प करता है. इससे हमारी मेमोरी और कॉग्निशन इंप्रूव होती है. इसके अंदर भृंगराज एक्सट्रैक्ट है, जिसकी वजह से हमारा मूड और जो हमारा स्लीपिंग पैटर्न रहता है वो इंप्रूव होता है. यू कैन टेक अश्वकाम ट्वाइस अ डे फॉर 60 days और इसके बाद आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स पता चलेंगे. मैं तो ये लास्ट 2 महीने से ले रहा हूँ एंड द रिजल्ट्स आर अमेजिंग. यू कैन यूज माई कोड AdroFlow30 फॉर 30% ऑफ एंड इट इज ओनली अवेलेबल ऑन प्लिक्स वेबसाइट. प्लस यू कैन गेट अ फ्री डाइट प्लान ऑन ऑल योर ऑर्डर्स. और गाइस, प्लिक्स लाइफ का ये प्रोडक्ट Amazon और Nykaa पे भी अवेलेबल है. तो या गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जाओ डिस्क्रिप्शन में, मैंने लिंक दे दिया हूं, जाके ये प्रोडक्ट जरूर ट्राई करना. क्या हो गया भाई? हो गई सब तैयारी? डन डन. तेरा हो गया ऋषि? बस खेल रहा हूँ थोड़ा. हो गया ना पैकिंग वैकिंग सब? सुकून से अभी आराम से सो के उठ सही हुआ. मेरा हल्का सा ऊपर का पैकिंग बाकी है. शैम्पू वैम्पू रखना है थोड़ा सा. वो सब तो मैं भी देख ही लूंगा. थोड़ा ब्रश ऊपर गया बस, बाकी सब. बाकी सो जाओ थोड़ा, सुबह में फ्रेश जाएंगे. फ्रेश कल का पूरा दिन घूमेंगे, मचाएंगे. Alright guys, so we are all set. और फैन बन गया ना ऋषि. सो गाइज, क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा. इतना नींद में ज़बरदस्ती उठना पड़ा,
बट क्या करें, उठना पड़ा। अभी फट से जाना है, इसकी ब्रेजा उसकी बिल्डिंग में खड़ी करना है, फिर वहाँ से कैब पकड़ के एयरपोर्ट जाना है। हाँ, बहुत स्ट्रेस हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। चलो निकलते फटफट, चलो चलो चलो। गाइस अभी बाहर बारिश हमारा इंतज़ार कर रही है। अरे यार कितनी बारिश हो रही है यार। काम कर अदनान, बोल भाग के लेके आओ इधर गाड़ी लेके ना। सो गाइस, ये जो बंदा है यहाँ पे, इसने आज मतलब इस लेवल और इस हद तक इस ये पहुँच गया है कि मतलब मैं भी नहीं पहुँच सकता था कभी। ये जो बोलता है विशाल के अदनान अपने वीडियो के लिए कुछ भी कर सकता है, ये चीज़ ऋषि ने प्रूव कर दिया है। मतलब इसके प्रैंक के चक्कर में हमारा मतलब हमारी फ्लाइट मिस हो गई है क्या भाई। और फिर उसको कंपेंसेट करने के लिए भाई साहब ने फिर कुछ रहा दूसरा बोर्डिंग पास वो सब ले गया है। तो हमारी फ़्लाइट थी 9:35 की, अभी दूसरी फ़्लाइट है 2:10 दो बजे की। तो अभी हमें 3-4 घंटे एयरपोर्ट पे टाइम वेस्ट करना है। मैं क्या ही करें यार, फोटोज़ खींचते टाइम वेस्ट करते। और इसको तो मैं पूरा दिन आज गाली दूंगा, पूरा दिन। मैं भी पूरा दिन मॉक ड्रिल। ये सुबह नहीं हुआ। हमारी नसीब इतनी गंदी है, इतनी गंदी पिछले बहुत दिनों से चल रही है। पब्लिक भाग रही है एयरपोर्ट से। भी गए थे भाई। हाँ, सो गाइस फाइनली इतनी सारी मुशक्कत के बाद पहुँच गए चंडीगढ़। वो भी हाफ वे पहुँच। क्या इसका कुछ नाम है क्या चंडीगढ़ का, बोलते हैं ना जैसे लखनऊ पिंक सिटी, मुंबई। लखनऊ पिंक सिटी नहीं है, जयपुर। जयपुर जयपुर। और चंडीगढ़ का क्या है, कुछ है चंडीगढ़ का? ऐसा नहीं है चंडीगढ़, क्या बोलते हैं, पिंड। तो पिंड आ गए, अभी यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है मनाली के लिए। बीच में कुछ लोगों से मिलेंगे, फिर सीधा मनाली में उतरेंगे। बहुत लेट हो गया हम लोग को, मनाली पहुँचे तक रात हो जाएगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग कल शाम में चंडीगढ़ से निकले थे और इतनी मुश्किलों से हम लोग सुबह कुछ 5:30 बजे मनाली पहुँचे। और इतनी हालत ख़राब हो गई थी, क्या बताऊँ, इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि कुछ व्लॉग कैमरा कहाँ है क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी बज रहे हैं कुछ दोपहर के 2:30, मस्त नींद पूरी करके हम लोग उठे। और वेदर रात में बहुत ठंडा था, अभी दिन में थोड़ा सा ऐसा मतलब प्लेजेंट है, एकदम गर्म नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मज़ा तो बहुत आ रही है। आज का दिन हम लोग क्या ऐसा थोड़ा रेस्ट में डाल रहे हैं, बट देखेंगे अभी शाम में हो सका तो कहीं निकलेंगे। बट कल से हम प्रॉपर निकलेंगे, कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करेंगे। वो कॉमन जगह नहीं, कैसल मॉल रोड वो सब नहीं। अभी आ रहा है। और भाई क्या हाल चाल यार? हाल तो बड़े बेहाल थे कल। अभी तो मेरे को इतनी मज़ा आ रही है बेड पे, अभी मन कर रहा है बेड से उठे ना, बट हम लोग उठेंगे यार क्योंकि मनाली आगे कुछ तो। पर हम लोग ट्राई करेंगे, कश्मीर का ट्रिप हम लोग का बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। मतलब कि हम इतना ज़्यादा घुस चुके थे, हम यहाँ पे ना थोड़ा मतलब काम भी करेंगे बट काम ऐसा नहीं कि काम। हम लोग ना यहाँ पे सिर्फ चिल करना है, मतलब थोड़ा माइंड रिफ्रेश करेंगे हम लोग और थोड़ा सा एकदम रिफ्रेश होके वापस जाएंगे ताकि दिमाग और चले, अच्छे से चले और हम अच्छे से काम कर पाए। और वो देखो बालकनी में। सो गाइस ये है कुछ हमारे कॉटेज से व्यू। तो गाइज अभी फ़िलहाल हम लोग है ये कॉटेज में, और कॉटेज से क्या होता है ना, ये नीचे रहता है ना तो इसकी वजह से व्यू उतना नहीं दिखता है। ज़्यादा मत कर तेरे ना। सो हम लोग है ना अभी दो दिन बाद शिफ्ट होने वाले होटल रूम में। और वहाँ से आएंगे। दो दिन हो गए, क्या कर रहा है, दो दिन हो गए, पकड़ जरा कैमरा। अभी क्या हुआ? बेरुशी तू क्या किया भाई?
भाई मैंने कुछ नहीं किया ऋषि रुक जा मत हिम्मत ना यार रुक क्या हुआ फक अबे यार ऐसे कैसे करते हो यार अदनान तू भी नहीं देख रहा यार उसके पैर में लगा है ऋषि सुनना यार इधर लेट ना इधर अच्छे से फक अच्छे से लेट ना चुप अच्छा अच्छे से लेट में बोल रहा हूँ नहीं नहीं रुक दो मिनट तुम लोग बिना बिन देखे अदनान हार्टबीट फास्ट बकचोदी मत करा करा ये प्लीज पहले बोल रहा हूँ प्रैंक प्रैंक खुद के चैनल पे प्रैंक होते हुए अजनान खान किरदारों अच्छे हुए एंड अदनान खान इज रबिंग हिज स्टमक बिकॉज़ ही इज नॉट फीलिंग वेल मत करा कर ये सब ऋषि प्लीज हां आखिरी बार बोल रहा हूँ फाइनल बार बोल रहा हूँ ये पैर की बकचोदी नहीं करना कैसी लगी क्योंकि ना इसको जब दोनों बार लगा था ना मैं था उसके सामने मेरे को पता है कि क्या फीलिंग है वो और अनिता में भी जब हुआ था तेरे साथ तो मेरे सामने हुआ था वो जो तू पढ़ा था बीच में मत करना ये सब मत कर कुछ और कर ले मेरे को मार वार दे जो करना ये सब नहीं करना हालत खराब हो गई थी गाइस लिटरली सब लोग ना डल हो गए थोड़ा एनर्जी चाहिए था ऐसा थोड़ा हुआ ना तारे छूटी थोड़े से अबे अंदर है ना मेरा ना एकदम रश हो गया था मतलब क्या और ऐसा हो गया था कि मेरी वजह से हो गया और इधर किधर जाएंगे और एक तो मनाली में बैठे यहाँ से कहाँ जाएंगे क्या करेंगे तो इतना भाई वो छोड़ो फीलिंग इतना जब तूने हंसा ना क्या अंदर से सेंस ऑफ रिलीफ मिला ना एकदम उफ मजा आ गया सो यार गाइस यहाँ पे मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो सिर्फ डिसलाइक कर दो अगर नहीं अच्छा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं बट मत करना फिर मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के साथ और भी मनाली के अच्छे अच्छे लोकेशंस और अच्छे अच्छे चैलेंजेस के साथ हम लोग बहुत मजे करेंगे प्रॉमिस पैक 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 सो दिस इज आवर पैक फॉर मनाली मनाली में बहुत मचाने वाले मनाली में सो यार गाइस फिर मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के साथ जब तक के लिए सावधान रहें सतर्क रहें सुरक्षित रहें कॉपीराइट आ जाएगा मैं बनकर